नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे हम CPC मेडिकल कोडिंग के बारे में। बेसिकली मेडिकल कोडिंग में करियर अगर आपको करना है तो आप नॉन सर्टिफाइड है तभी भी आप कोडिंग में करियर कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपको करियर करना है तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि कैसे आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं। देखा जाए तो CPC सर्टिफिकेशन ये बहुत ही जरूरी है अगर आप इस मेडिकल कोडिंग के फील्ड को फ्यूचर के लिए मतलब लॉन्ग टर्म यहाँ पे करियर करना चाहते हैं। स्कोप, सैलरी, हर चीज में अगर आपको अच्छी तरीके से मेडिकल कोडिंग को अगर आपको करियर ऑप्शन देख रहे मेडिकल कोडिंग तो CPC बहुत जरूरी है। आपको इसके बारे में जानना तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे कई सारे सर्टिफिकेशन है, जैसे इन पेशेंट के लिए, आउट पेशेंट के लिए सर्टिफिकेशन है, अलग अलग थेरापेटिक एरिया के लिए सर्टिफिकेशन है, तो वो आप एडिशनली कर सकते हैं। लेकिन एक मेन सर्टिफिकेशन वो होता है CPC, जिसकी वजह से आप एक सर्टिफाइड कोडर बन जाते हैं। जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो होती है अमेरिकन अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर, AAPC और अहिमा, अमेरिकन हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार आप CPC एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिलेबस क्या है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो चलिए CPC एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप मेडिकल कोडिंग में करियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल कोडिंग क्या होता है। मेडिकल कोडिंग ये एक पर्सन होता है जो कोई भी मेडिकल कंडीशन, टर्म, डिसऑर्डर को अल्फान्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट करते हैं। और ये कोड कहाँ से आते हैं? मेडिकल डिक्शनरीज से। और वो कौन कौन सी डिक्शनरीज है तो वो डिपेंड है अलग अलग, जैसे कि डायग्नोसिस के लिए डिक्शनरी है ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, सर्जरी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए होती है CPT, कॉमन प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजीज, और HCPCS, HCPCS हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। ओके, तो इस प्रकार अलग अलग कोड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम CPC के लिए बात कर रहे हैं तो ये डेडिकेटेड वीडियो CPC के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो CPC में क्या होता है ना कि जो एग्जाम होता है CPC का, वो जैसे मैंने बताया AAPC और अहिमा कंडक्ट करते हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। अब CPC एग्जाम प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डेजिग्नेशन मिलते हैं, कैसी ग्रोथ है मेडिकल कोडिंग में, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप एज ए मेडिकल कोडर सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर ज्वाइन होते हैं। इसके बाद आप एज ए ऑडिटर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कंपनीज की ऑडिट होते हैं, हेल्थ केयर ऑडिटर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, मेडिकल कोडिंग ऑडिटर भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में मेडिकल बिलिंग भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब मेडिकल बिलिंग क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी कोड अगर कोई मेडिकल कोडर असाइन करता है तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है डॉलर में, वो मेडिकल बिलर जो होता है वो उसको असाइन करता है और वो जाता है दूसरे डिपार्टमेंट के पास और उसको बोलते हैं AR। ओके, तो इस प्रकार आप ये अलग अलग समझना चाहिए आपको कि ये मेडिकल कोडिंग में अलग अलग डेजिग्नेशन है। ओके, इवन आप यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट, एज ए ट्रेनर भी वर्क कर सकते हैं और सीनियर लेवल पे टीम लीडर की पोजीशन भी आपको मिलती है। तो आपको काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, डेजिग्नेशन के मुताबिक आपको डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। साथ में सबसे बेनिफिट जो है वो है आपको वर्क फ्रॉम होम की भी ऑप्शन मिल सकते हैं, नॉट इनिशियल स्टेजेस लेकिन लैटर बाद में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इसके बाद CPC का और एक बेनिफिट है, वो है कि CPC अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आपको कंटिन्यूअल एजुकेशन सिस्टम होती है AAPC की, जो कंटिन्यूअल उनके वेबिनार सेमिनार होते हैं, जो कोडिंग में कोई चेंजेस हो गए, कोई ऐड कोड हो गया, कोई रिमूव हो गया, तो हर चीज आपको अपडेट की जाती है क्योंकि आप मेंबर बन जाते हैं AAPC के। ओके, तो आपको कंटिन्यूअल एजुकेशन वो प्रोवाइड भी करते हैं। साथ में आप कोई भी एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इन पेशेंट, आउट पेशेंट का, थेरेपेटिक एरिया के, इवन इमरजेंसी कोडिंग की भी अलग सर्टिफिकेशन है, तो आप वो करके और भी एडिशनल बेनिफिट ले, मतलब आपके रिज्यूम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और वहां पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन CPC होना जरूरी है, उसके साथ ये कोर्स एडिशनली कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट्स है CPC मेडिकल कोडिंग के। अब बात करते हैं CPC के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। हेल्थ केयर कोई भी, जैसे डी फार्म हो, बी फार्म हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई एग्जाम पैटर्न होता है क्या, साल में कितने एग्जाम होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से
ये पेड एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। सीपीसी की फीस होती है अराउंड 45,000 to 50,000 तक आपकी फीस जा सकती है वन टाइम। ओके, तो अब इसमें आपको एक अटेम्प्ट मिल जाता है और उसमें आपको वो एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है। ओके, ओपन बुक मतलब आपको डिक्शनरी दी जाती है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं बिल्कुल भी मालूम नहीं है लेकिन फिर भी वैसे डिक्शनरी दी गई है तो मैं वहां से सर्च करके एग्जाम दे सकता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी डिक्शनरी होती है और उसके हर एक कोड को कहाँ पे आपको कहाँ से वो असाइन करना है ये आपको मालूम नहीं होता। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है, इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी है उस पर्टिकुलर डिक्शनरी की। ओके, अब इसमें इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको AAPC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद CPC सर्टिफिकेशन पे क्लिक करके वहां से आप एग्जाम की फीस पे करके वहां पे शेड्यूल होता है, मतलब कौन से डेट में चाहिए आपको तो वो आप फिक्स कर सकते हैं। और नियर बाय जो भी AAPC के सेंटर है आपके यहाँ पे वो आपको दिए जाएंगे, वहां पे जाके आपको एग्जाम देनी होती है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एग्जाम होती है, MCQs होते हैं, लेकिन सेंटर में जाके देना होता है, घर से आप नहीं दे सकते। ओके, तो इसकी फीस आपको पे करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कितने बार अप्लाई कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कई बार अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फीस है और बहुत बड़ी फीस है, तो रिकमेंड यही है कि प्रॉपर प्रिपेयर करो फिर ही एग्जाम दें। ओके, अब बात करते हैं CPSC के सिलेबस के बारे में, क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू मेडिकल कोडिंग, यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ मेडिकल कोडिंग इट्स इंपॉर्टेंट, देन इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर एंड स्टेक होल्डर, देन रोल ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, इसके बाद मेडिकल एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बेसिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है ICD-10-CM, इसमें फंडामेंटल गाइडलाइंस ऑफ कोडिंग, रिपोर्टिंग, कोडिंग कन्वेंशन, CPC में ओवरव्यू, इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, देन सर्जरी कोडिंग, देन मेडिकल कोडिंग, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, देन मॉडिफायर्स। इसके बाद HCPCS। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रीइंबर्समेंट मेथोडोलॉजी, इसमें मेडिकेयर फॉर शेड्यूल आएगा, रिलेटिव वैल्यूज यूनिट आएंगे, देन पर्सपेक्टिव पेमेंट सिस्टम। इसके बाद कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस, इसमें आएगा हेल्थ केयर कॉम्प्लायंस फंडामेंटल्स, HIPAA रेगुलेशन, फ्रॉड एंड अब्यूज लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। इसके बाद प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ये कई प्रकार के टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है ये पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, हर एक बॉडी पार्ट्स बॉडी सिस्टम्स को समझना जरूरी है, तब जाके आप इसको प्रॉपर तरीके से उसको कोड दे सकते हैं। ओके, तो आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर मान लो बायोलॉजी से नहीं है, इंजीनियरिंग से, तो आपको वो पूरा सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अब इसके बाद पूरी तरीके से आपको एक शेड्यूल बनाना है कि 3 महीने 4 महीने या 5 महीने तक आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। ओके, तो बेसिकली 4 या 5 महीने तक इसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे तो हो सकती है। अब इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, आइदर आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको AAPC से एग्जाम्स बुक्स लेने पड़ेंगे, CPC की बुक, देन CPT की एक बुक होती है, इसके बाद ICD की बुक होती है, HIPAA, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये 4 बुक्स आपके पास होने जरूरी है। कुछ बुक्स पेड है तो आप उनके साइट पर जाके आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ही कोर्स करें जिसमें आपको CPC सर्टिफिकेशन की पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी, कोचिंग मिल जाएगा और डेडिकेटेड कोचिंग मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो। अब ये तो हो गया मतलब CPC के लिए किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हो इसका एग्जाम और इसके सिलेबस। अब बात करते हैं कौन सी कंपनीज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देती है, गेप सॉल्यूशन, ईपी सोर्स, ओके, ओमेगा, चिरोक हेल्थ केयर, इन्फोसिस, ओके, जो मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल बिलिंग कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है हर जगह पे CPC सर्टिफाइड कोडर ज्यादा डिमांडेड है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप CPC के लिए प्रिपेयर करना चाहते और पूरे डेडिकेटेडली आप प्रिपरेशन चाहते, एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 5 मंथ्स ऑनलाइन कोर्स इन CPC मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे हम CPC एग्जाम के लिए प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, वीकेंड सेशन से, ऑनलाइन सेशन से, लेकिन यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, हार्ड कॉपी एंड ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी, और जिसमें आपको डोमेन नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये तीनों चीजें मिलेगी। एडमिशन के लिए बहुत कम समय बचा है, अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पूरे डिटेल दे रहा हूँ, वहां पे देखिए आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा ये मुझे बताएं, वीडियो अच्छा लगता है कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।